Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna show you how I have organized my TV unit area. Let me show you my TV cabinet area. So guys, इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, सो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये कैबिनेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ड्रॉअर्स बने हैं जिसमें आप डेली यूज़ की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ एक ग्लास कैबिनेट भी है जिसको आप एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसमें डेकोरेटिव आइटम्स को भी रख सकते हैं। अभी करेंटली ये ऐसा दिख रहा है बट मैं इसका डेकोरेशन करने वाली हूँ, सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने इसको एक माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया। ग्लासेस को क्लीन करने के लिए मैंने कोलिन का यूज़ किया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इस ग्लास शेल्फ से। मेरे पास ऑलरेडी एक बुक शेल्फ है घर में, इसलिए मैं इस एरिया को बुक स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीसेस को रखने वाली हूँ। सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने रखा है दो डेकोरेटिव बॉक्सेस को। वन इज़ गोल्डन इन कलर, अनदर वन इज सिल्वर। ये मैं मलेशिया से लाई थी बट आई एम श्योर कि आपको इंडिया में भी कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट आई एम कीपिंग दिस LED नियॉन लाइट विच सेज लव। इस प्रोडक्ट की डिटेल्स एंड रिव्यू मैंने अपने Amazon होम डेकोर हॉल वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे होम डेकोर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, सो आई एम श्योर कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये पिंक कलर का लिप कुशन रख रही हूँ। ये यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट कलर ऐड कर रहा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर चीज़ें पिंक, ब्राउन, ग्रीन एंड वाइट कलर की ही रखती हूँ। नेक्स्ट आई एम कीपिंग दिस फोटो फ्रेम। ये ग्लास का बना हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जस्ट नीचे मैंने रखा है LED लेटर बॉक्स। इसका रिव्यू आपको अगेन Amazon होम डेकोर हॉल वीडियो में मिल जाएगा। बाकी एरियाज़ का डेकोरेशन मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन ड्रॉअर्स में क्या रखा है। ऊपर वाले शेल्फ में मैंने रखा है वेइंग मशीन। नीचे वाले शेल्फ में आई हैव स्टोर्ड ऑल द न्यूज़पेपर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो इसके जस्ट लेफ्ट में है। यहाँ पे दो ड्रॉअर है। सबसे पहले हम ऊपर वाला ड्रॉअर देखेंगे। इस ड्रॉअर में मैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड कुछ इमरजेंसी चीज़ों को स्टोर करती हूँ। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। TV रिमोट्स, ब्लूटूथ स्पीकर, माउस, सम AA and AAA बैटरीज, मोबाइल होल्डर, ट्रैवल अडाप्टर, कैमरा चार्जर। यहाँ पे मैंने कुछ पैसों को भी स्टोर किया है, कुछ चेंज पैसों को, ताकि आपको इमरजेंसी में जब भी पैसे की ज़रूरत है तो आपको ढूंढना ना पड़े। ये टॉर्च है और कुछ मास्क रखे हैं क्योंकि अभी COVID-19 चल रहा है, सो वी शुड वेयर देम व्हेन एवर वी आर गोइंग आउट। टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर भी है। यहाँ पे कुछ इमरजेंसी के लिए मेडिसिंस भी रखी हुई हैं। साथ में है बैंडेड। सो दिस इज़ हाउ दिस एंटायर ड्रॉअर लुक्स। इसके नीचे वाले कबर्ड में मैंने स्टोर किया है लैपटॉप बैग, ताकि जब भी हम ऑफिस जा रहे हैं ईजिली ग्रैब कर सके। उसके नीचे रखा है इमरजेंसी लाइट और एक पुराना UPS। बीच का जो एरिया है वो अनकवर्ड है, वहाँ पे हमने स्पीकर्स रखा है। लेट मी शो यू दिस सेक्शन नाउ। इस सेक्शन में मैंने DIY रिलेटेड आइटम्स एंड कुछ गेम्स को स्टोर किया है। दिस इज कार्ड, ऊनो, लूडो, सम कलरिंग बुक, दिस इज अ पाउच, डेकोरेटिव टेप्स, सम लार्ज सेलो टेप्स, सम पेंट्स। ये सारे कलरिंग के लिए हैं। दिस इज पेंसिल,
अगेन दिस इज पेंसिल कलर एंड फ्यू स्केच पेन्स। यहाँ पे एक बॉक्स रखा है जिसमें मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर किया, जैसे स्टेपलर, हाइलाइटर, फ्यू गम्स, फेविकोल्स, फेविक्विक्स। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर सेक्शन लुक्स। जब भी हमारे घर में फ्रेंड्स या गेस्ट आते हैं और हमें इंडोर गेम्स खेलना होता है तो हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, हम इस ड्रॉअर को खोलते हैं और सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके नीचे वाले ड्रॉअर में दो सेक्शन है। सबसे नीचे मैंने कुछ बोर्ड गेम्स को स्टोर किया है, चेस एंड हाउजी। यहाँ पे मसाजर एंड हेयर ड्रायर रखा है ताकि जब भी मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं टीवी देखते देखते अपने बालों को ड्राई कर लूँ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की ओर। यहाँ पे मैंने स्टोर किया है कुछ अम्ब्रेलास को। जब भी हमें बाहर जाना होता है तो हम इसे ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। इसके नीचे हमने रखा है हेलमेट और हेलमेट को क्लीन करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा। हमारे घर में एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले ये टीवी कैबिनेट दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ों को एंड इमरजेंसी में यूज़ आने वाली चीज़ों को रखा है। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें चाहें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इमरजेंसी लाइट, मास्क, अम्ब्रेलास और हेलमेट्स को स्टोर करके हमने अपना काफ़ी सारा टाइम सेव किया है, क्योंकि हमें चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता। दिस सेज वी डू नॉट हैव वाईफाई, टॉक टू ईच अदर। इस कप में मैंने मनी प्लांट को रखा है टू ऐड सम बिट ऑफ ग्रीनरी। अब हम बाकी एरिया का डेकोरेशन करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं रख रही हूँ एक पिंक कलर का छोटा सा क्यूट सा टेबल क्लॉक। इसके जस्ट ऊपर मैं रख रही हूँ एक ग्रीन कलर का बुद्धा स्टैचू। मैंने यहाँ पे 5-in-1 स्पीकर लगाया हुआ है। इसके दो स्पीकर्स को मैंने ऊपर रखा है ताकि आवाज़ थोड़ा स्कैटर्ड हो जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे वायर दिख रहे हैं जो दिखने में थोड़ा अनटाइडी लग रहा है, इसलिए मैं इन्हें लेकर टाई करने वाली हूँ। अब ये पहले से थोड़ा बेटर दिख रहा है। दिस इज हाउ द एंटायर टीवी कैबिनेट एरिया इज लुकिंग नाउ, बट मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और डेकोरेटिव पीसेस को ऐड करने वाली हूँ। ये जो ऊपर का सेक्शन है इसे भी आप एज अ बुकशेल्फ यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीसेस को रखने वाली हूँ। ये कॉर्नर स्पेस मुझे थोड़ा खाली लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्मॉल प्लांट को रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि डेकोरेशन पूरा हो गया, लेकिन नहीं, अभी तो मेन चीज बाकी है। जो चीजें बाकी हैं उनमें से एक है प्लांट्स। यस, अगर आप प्लांट्स रखते हैं तो इस एरिया की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ रियल प्लांट्स को ऐड किया है।
This is how the entire makeover turned out. I'm already loving this. I hope कि आपको भी ये makeover अच्छा लगा होगा और आपको थोड़े tips मिले होंगे कि हमें किन चीज़ों को store करना चाहिए. अगर आप अपने TV area का makeover करते हैं तो please share pictures with me on Instagram. मेरा Instagram handle है homeontube. So मिलती हूँ guys next video में. तब तक के लिए stay home, stay safe.